जैसा कि आपको पता है कि ये जादू है जिनका की शूटिंग काफी दिनों पहले से शुरू हो चुकी है और 13 तारीख को ये टेलीविजन पे भी आने वाला है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस नए सीजन में क्या क्या चेंजेस ऐसे आने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दो नए एंट्री की जो कि इस बार होने वाली है। सबसे पहला नाम है श्रुति शर्मा और दूसरा है शहजादा। ये दोनों के दोनों कजन्स हैं रोशनी और अमन के। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि इस बार कोई भी लव ट्रायंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की लव स्टोरी जैसे कि श्रुति शर्मा और शहजादे की और दूसरा अमन और रोशनी की अलग अलग चलेंगी। और हाल ही में मिले अपडेट्स ये भी पता चला है कि इस बार कोई भी स्टंट सीन्स एटलीस्ट कुछ समय के लिए या फिर कह सकते हैं कुछ महीने के लिए हमें देखने नहीं मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस सीरियल का बजट काफ़ी ज़्यादा घट चुका है। कोविड-19 के बाद इस सीरियल की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी काफ़ी कम हो गई, जिसके कारण अब हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें ये सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये भी रीज़न है दोस्तों कि शूटिंग टाइमिंग्स में भी काफ़ी कटौती हुई है, मतलब रात के 9 बजे के बाद से शूटिंग्स नहीं होगी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अनुसार। अब बढ़ते हैं दोस्तों सबसे बड़े अपडेट की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई में 31 जुलाई तक लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो चुका है, जिसके कारण ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है और शूटिंग पे भी पड़ेगी। तो हो सकता है दोस्तों कि कुछ समय तक आपको रेगुलर ये शो देखने को मिले और उसके बाद फिर से कुछ समय के बाद ये शो शायद हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे करके आए। तो अभी ये बात की कोई भी कंफर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन आशा करते हैं दोस्तों कि ये ऐसा ना हो और रेगुलरली लोगों को शो देखने को मिले। तो दोस्तों ऐसे ही सारी अपडेट्स टेलीविज़न और बॉलीवुड से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये जादू है जिनका के फ़ैन हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस सीरियल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपके पास लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच।